आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। दुश्मन के दुश्मन बने दोस्त चिराग शहनी की दिखी चुंगलबंदी। एक गाड़ी में माझी आवाज से कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। बिहार की सियासत रोज करवट ले रही है। हर दिन यहाँ नई संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। ऐसे ही एक चुंगलबंदी शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दावत इफ्तार में देखने को मिली। यहाँ दुश्मन के दुश्मन ने दोस्त के रूप में एक साथ पटना की सड़कों पर सैर किया। कभी एनडीए का हिस्सा रहे एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब नीतीश को फूटी आंख देखना नहीं चाहते। वही जिस मुकेश सहनी को बीजेपी ने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था, उन्हें आपस से जमीन पर ले आई। दोनों फिलहाल सरकार से बाहर हैं और एक नई गठजोड़ की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के आवास पर दोनों अलग अलग गाड़ियों से आए, लेकिन दोनों यहां साथ बैठे। इफ्तार के बाद दोनों साथ में एक ही गाड़ी में सवार होकर यहां से निकले। साथ में सदाकत आश्रम में आयोजित कांग्रेस पार्टी के दावते इफ्तार में पहुंचे। दोनों ने कहा कि इस पवित्र मौके पर राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बिहारवासी का सपना है कि बिहार विकसित राज्य बने। लोगों को अपने गांव घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में अन्य शहरों में नहीं जाना पड़े। आज दुर्भाग्य है कि राज्य में लोगों को रोजगारी के लिए प्लान करना पड़ता है। एक तरफ जहां चिराग शहनी के हाथों में हाथ डालकर नई दोस्ती का आरंभ कर रहे थे, तब दूसरी तरफ वो अपने ही भाई को नजरअंदाज कर रहे थे। जीतन राम की दावत में चिराग के चचेरे भाई प्रिंस पासवान भी पहुंचे थे। प्रिंस चिराग के करीब गए और ना प्रिंस ने ही उनसे मिलना मुनासिब समझा। प्रिंस ने मौके पर सभी से आशीर्वाद लिया, लेकिन जिस ओर चिराग बैठे थे उधर जाने से बचे। दोनों भाई इस पर कुछ बोलने से भी बचते रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे टीडी न्यूज के साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।